पहले मूंग की दाल भिगोई थी, तो 1 घंटे पहले भीगी हुई मूंग की दाल है, इसको हम ग्राइंडर पर पीस देते हैं। ये हमारी दाल बिल्कुल बारीक पीस चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं बढ़िया से। थोड़ा सा डालेंगे चावल पाउडर, अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। हम आप अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, आप इनो भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से इसको मिला देते हैं। मिला अदरक का पेस्ट उसमें ऐड करते हैं, मसाले जो जो मसाले आपको खाने हैं वो सब ऐड कर सकते हो। इसमें डालते हैं हल्दी थोड़ा सा, लाल मिर्च, हम देखो धनिया पाउडर, नमक, मसाला, थोड़ा सा काला नमक और डालते हैं इसमें हींग, तो अच्छे से मिलाते हैं। साथ में डालते हैं इसमें वेजिटेबल्स, टमाटर, हरी मिर्च और बीन्स और लौकी, आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हो, नींबू, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर, अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसको डालते हैं। इसको डालते हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये देखो खुल गया, अब इसको हम पलटते हैं बेसन पे, करेला करेला पक चुका है। अब 1 सेकंड के लिए फिर ढकेंगे, 30 सेकंड के लिए, और हमारा 30 सेकंड हो गया भैया, फेर ले लेते हैं और ये पक के एकदम, देखिए दूसरी साइड में कितना बेहतरीन पका है ये भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना बेहतरीन पक गया है, इसको एक बार फिर थोड़ा सा करारा कर लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा करारा खाते हैं, हमारे दांत थोड़े मजबूत हैं। ये आमलेट हम बन के तैयार, इसको हम यहाँ रखते हैं। हम इसको किसी के साथ, सब्जी के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि मुझे मिर्चे का अचार बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें मिर्चे का अचार यूज़ करूँगा। ऐसे तरह हम सारे बना लेते हैं।